इस वीडियो में क्लास फोर के आईसीटी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक फर्स्ट 2023-24 का है। ये क्वेश्चन आपका टोटल सॉल्व किया हुआ है और जो भी आपका बोल्ड में आंसर है वही आपका क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, जो 1 × 10 यानी एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है, टोटल 10 क्वेश्चन आपका है। सबसे पहला हो जाएगा डैश डिवाइस इज यूज्ड फॉर टाइपिंग पर्पस, कौन से डिवाइस को हम लोग टाइपिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो आपका आंसर में हो जाएगा कीबोर्ड। सेकंड, डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है, माउस को। थर्ड, डैश डिवाइस डिस्प्ले द प्रोसेस रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाता है, तो आपका सही आंसर होगा मॉनिटर। क्वेश्चन फोर, डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका आंसर हो जाएगा सीपीयू। क्वेश्चन फाइव, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज, सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन सिक्स, एएलयू परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन ऑन डेटा, यानी एएलयू जो है वो कैलकुलेशन और कंपेरिजन करता है डेटा में, यानी डेटा को कैलकुलेट करेगा और कंपेयर करेगा। क्वेश्चन सेवन, डैश यूनिट ऑफ सीपीयू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, आपका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन एट, हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ डैश डिवाइस, आपका एक्यूरेट आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नाइन, डैश डिवाइस इज यूज टू लिसन म्यूजिक, कौन से डिवाइस से हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो आपका होगा स्पीकर या फिर हम लोग यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस यानी कि आउटपुट डिवाइस से भी हम लोग म्यूजिक को सुनते हैं। आउटपुट में आपका हेडफोन भी आ जाएगा, स्पीकर भी हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीकर लिखेंगे तो भी सही होगा और आउटपुट लिखेंगे तब भी सही होगा। क्वेश्चन टेन, स्कैनर इज ए टाइप ऑफ डैश डिवाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नाउ क्वेश्चन टू, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 10 एक नंबर का है, यानी एक एक करके आपको 10 क्वेश्चन है, जो आपका टोटल क्वेश्चन मिलाकर 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन वन, हेडफोन इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हेडफोन जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है और माइक जो है इनपुट डिवाइस होता है। अगर हेडफोन का बात होगी तो आप वहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, लेकिन माइक की बात होगी तो आप वहाँ पर ट्रू लिखेंगे। क्वेश्चन टू, सीपीयू हैज़ 3 पार्ट्स, सही बात है, सही है इसका आंसर। सीपीयू का 3 पार्ट्स होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। थ्री, आउटपुट डिवाइस यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, फॉल्स। क्वेश्चन फोर, मॉनिटर इज ए टाइप ऑफ अ इनपुट डिवाइस, फॉल्स, क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। फाइव नंबर, माउस डज द प्रोसेसिंग रिलेटेड वर्क, फॉल्स, क्योंकि माउस से प्रोसेसिंग नहीं होता है, हम लोग क्लिक करते हैं। सिक्स नंबर, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो आपका हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन सेवन, मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये भी आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन एट, सीडी एंड पेन ड्राइव आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ट्रू। क्वेश्चन नाइन, हार्ड डिस्क इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ट्रू। क्वेश्चन टेन, प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, ट्रू। तो ये आपका क्वेश्चन टू जो है टोटल 10 मार्क्स का था, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका टोटल 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स का है, यानी टोटल आपको नंबर हो जाएगा आपका 15। सबसे पहला हो गया क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर, आंसर में आपका होगा अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक अ क्वेश्चन
प्रोसेस इट एंड गिव्स अ मीनिंगफुल एंसर। यानी कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो क्वेश्चन को लेता है, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसका एक्यूरेट आंसर देता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? तो आपका सही आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन थ्री, नेम थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो आपका सीपीयू का तीन पार्ट्स में हो जाएगा एलयू, सीयू और एमयू। एलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन फोर, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। एक एक एग्जाम्पल लिखना है। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यह माउस नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर या मॉनिटर, टाइपिंग मिस्टेक है, माउस नहीं होगा, यहाँ प्रिंटर लिखेंगे, प्रिंटर या मॉनिटर। इनपुट में कीबोर्ड या माउस हम लोग लिख सकते हैं, कीबोर्ड लिख सकते हैं और माउस भी लिख सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस में आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क। नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर फाइव है, तो आपका हो जाएगा ENIAC। अब है आपका दिया हुआ क्वेश्चन फोर, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फॉलोइंग। एक इनपुट डिवाइस को ड्रॉ करना है और एक आउटपुट डिवाइस को ड्रॉ करना है। तो इनपुट डिवाइस में आपका हो गया माउस और आउटपुट डिवाइस में आपका हो गया मॉनिटर। दोनों का फिगर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है और ये दोनों फिगर को मिला के आपको पाँच नंबर का ये क्वेश्चन था।